स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने भूगोल शिक्षण के कुछ उद्देश्य के बारे में जाना था, कुछ पॉइंट के साथ हम लोग उपस्थित हुए थे। आज फिर से उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से और भी पॉइंट के साथ इसका अध्ययन करेंगे आज। तो आप लोग को पता ही है, इतना अवेयर हो चुके होंगे कि क्यों हमारे लिए भूगोल शिक्षण इम्पॉर्टेंट रखता है और हम सभी के लिए और प्राकृतिक जो विरासत है वो प्रकृति के साथ हमें किस तरह से सामंजस्य स्थापित करने में अपनी भूमिका को वो छोड़ता है, इसके संदर्भ में और भी पॉइंट्स का हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जैसे कि पहला जो पॉइंट आप लोग देख रहे हैं वो ये है कि बढ़ती हुई जनसंख्या प्राकृतिक साधनों के उचित विकास की आवश्यकता तथा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा के कारकों और परिणामों में एक गहरी समझ विकसित करना, जिससे कि वे यह जान सके कि मनुष्य और प्रकृति व उसके दोनों के मध्य कैसे एक अस्थायी संतुलन बनाया जा सके। हम जान सकते हैं इस पॉइंट के माध्यम से कि जैसे जैसे हम लोग जान रहे हैं कि कैसे आज के डेट में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, तो जनसंख्या की वृद्धि होने के नाते हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हम प्राकृतिक साधनों के साथ किस तरह से अपना संतुलन का निर्वहन कर सके, प्राकृतिक साधनों के साथ हम कैसे संतुलन को स्थापित कर सकें ताकि आने वाले जनरेशन के लिए भी प्राकृतिक साधनों के साथ हमारा संतुलन बना रहे। क्योंकि जो जितने भी प्राकृतिक साधन हैं वो कहीं ना कहीं एक सीमित संसाधन के रूप में जाने जाते हैं और इनका कब खत्म हो जाना ये हमें भी नहीं पता है। तो ये इसलिए जरूरी है कि जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ हम प्राकृतिक साधनों का जो संतुलन है वो अपने आप में कैसे मानव जीवन में एक समझ को विकसित करें ताकि आने वाले दिनों में हमें कठिनाइयों और मुसीबतों का सामना न करना पड़े। तो ये जरूरी है कि प्राकृतिक साधन और प्रकृति के साथ आपसी तालमेल और संतुलन हमें अगर विकसित कराने का काम करता है तो वो है भूगोल शिक्षण। इस तरह से हम इसके उद्देश्य के बारे में हम लोग इस पॉइंट के माध्यम से जान पा रहे हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, विश्व के लोगों तथा उनके विभिन्न पर्यावरणों व आर्थिक प्रौद्योगिकी विकास स्तर की दृष्टि से उनकी समस्याओं के बारे में एक तार्किक समझ उत्पन्न करना। जैसे कि इस पॉइंट के माध्यम से हम लोग इस विषय में सभी देशों के जलवायु, सभी देशों के पर्यावरण, सभी देशों के प्रौद्योगिकी विकास की समझ विकसित करते हैं और कहीं ना कहीं अपने देश में उसे लागू कराने में सक्षम हो पाते हैं कि संबंधित देश किस तरह से प्रौद्योगिकी विकास किया है, उनकी जलवायु कैसे है, उनके लोगों का जीवन कैसा है, वे किस तरह से पर्यावरण के साथ आपसी संतुलन को बनाए रखें। तो इन सब की जानकारी कहीं ना कहीं हमें भूगोल शिक्षण के माध्यम से ही मिलती है। इसलिए ये जरूरी है कि भूगोल शिक्षण हमें अपने पर्यावरण सामंजस्य और प्राकृतिक सामंजस्य के लिए बहुत ही अपनी भूमिका को एक आवश्यकता के अनुरूप निर्वहन करने का कार्य करता है और हम विश्व के हर एक कॉन्सेप्ट से अवेयर होते हैं और अवेयर होने के बाद हम ये कंक्लूजन निकालते हैं, ये तार्किक दृष्टि के साथ हम अपने आप को विकसित कराते हैं और अपने आप में ये कॉन्सेप्ट को लागू करते हैं कि उनके जो कार्य करने की शैली है वो कहीं ना कहीं हम अपने में भी विकसित कर पाने में सफल होते हैं। इनका कहीं ना कहीं जो भूमिका जाता है वो भूगोल शिक्षण का जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देश में और विश्व के राष्ट्रों में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों की स्वतंत्रता के बारे में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण एप्रिसिएशन विकसित करना। आप इस पॉइंट के माध्यम से देख पा रहे हैं कि देश में और विश्व के राष्ट्रों में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों की स्वतंत्रता, मतलब हम इसके पहले के पॉइंट में भी बताएं कि हम इसमें देश विदेश के हर एक देश के विदेश के जितने भी फैक्टर हैं, जलवायु फैक्टर है, पर्यावरण है, मतलब प्रौद्योगिकी है, हर एक कॉन्सेप्ट को इस विषय के माध्यम से पढ़ते हैं और उस
उसमें कहीं ना कहीं अपनी दृष्टिकोण और समझ को विकसित करते हैं। नेक्स्ट है विकास की योजनाएं बनाने में कुशलता विकसित करना। हम हरेक पूरे ब्रह्मांड का इस विषय के माध्यम से अध्ययन करते हैं और कहीं ना कहीं अध्ययन करने के बाद हम अपने देश में किसी भी कार्य को क्रियान्वयन करने के लिए योजनाएं कुशलतापूर्वक बनाते हैं ताकि हम अपने देश में जो भी प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक जितने भी कॉन्सेप्ट है उसमें हम अपनी जो संतुलन है उसको कहीं ना कहीं विकसित कर पाने में सक्षम होते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये उद्देश्य के रूप में भूगोल शिक्षण के हैं, ये बहुत ही कम है, दोनों वीडियो में भी बहुत ही कम है, और भी इसके उद्देश्य हो सकते हैं। तो आप अपने तार्किक ज्ञान के माध्यम से आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं और इसको वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में वर्तमान समय में भूगोल शिक्षण की जो विशेषताएं हैं, इसके उद्देश्य हैं, वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आज इस विषय की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई आगे जा रही है। तो इसकी भूमिका कहीं ना कहीं बहुत ही विस्तृत है, और भी इसके बारे में पॉइंट हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो आज उद्देश्य भूगोल शिक्षण के उद्देश्य को हम इस वीडियो के माध्यम से समाप्त करते हैं। आप अपने तार्किक ज्ञान के माध्यम से इसको और भी विकसित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आज इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को भूगोल शिक्षण के जो उद्देश्य वो आप लोग को समझ में आ गए होंगे। तो इसके लिए फिर से हम लोग नए वीडियो के साथ अगले क्लास में